मंगल मंत्र पर भारतीय कुश्ती के कई दिग्गज पहलवान एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कुश्ती के खिलाड़ियों और कुश्ती महासंघ के बीच का विवाद फिर से जोर पकड़ रहा है। 3 महीने पहले कुश्ती महासंघ और इसके अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर पहलवानों ने आरोप लगाए थे। इन आरोपों के बाद एक जांच कमेटी भी बैठाई गई थी, लेकिन पहलवानों का कहना है कि कमेटी की रिपोर्ट की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। एशियन गेम्स और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को कई पदक दिलाने वाली महिला कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर कई लड़कियों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। कौन है बृजभूषण शरण सिंह? बृजभूषण शरण सिंह की गिनती दबंग नेताओं में होती है। वे उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं और कैसरगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। छात्र जीवन से ही राजनीतिक तौर पर बेहद सक्रिय रहे। बृजभूषण सिंह का युवा जीवन अयोध्या के अखाड़ों में गुजरा। पहलवान के तौर पर वे खुद को शक्तिशाली कहते हैं। कॉलेज के दौर में ही वे छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए और यहाँ से शुरू हुआ उनका सक्रिय राजनीतिक जीवन। 1991 में पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए। 1999, 2004, 2009, 2014 और 2019 में भी लोकसभा के लिए चुने गए। कुल मिलाकर वो 6 बार लोकसभा के लिए चुने गए हैं। आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह 2011 से ही कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं। 2019 में वो कुश्ती महासंघ के तीसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे। 1988 में वे बीजेपी से जुड़े और फिर पहली बार 1991 में रिकॉर्ड मतों से सांसद बने। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के साथ मतभेद के चलते उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और 2009 के लोकसभा चुनाव में वो सपा के टिकट पर कैसरगंज से जीते। इसके बाद वे एक बार फिर 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए। बाद के वर्षों में बृजभूषण शरण सिंह का प्रभुत्व गोंडा के साथ साथ बलरामपुर, अयोध्या और आसपास के जिलों में बढ़ता गया और वो 1999 के बाद से अब तक एक भी चुनाव नहीं हारे हैं। बृजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण भी राजनीति में हैं। प्रतीक गोंडा से बीजेपी विधायक हैं। बीजेपी से जुड़ने के बाद बृजभूषण सिंह ने अपनी छवि एक हिंदूवादी नेता के तौर पर बनाई और अयोध्या के बाबरी मस्जिद ढांचे के गिराने के अभियुक्त भी रहे। हिंदुत्व राजनीति के मुखर समर्थक रहे। बृजभूषण शरण सिंह का नाम बीजेपी के कद्दावर नेता लाल कृष्ण आडवाणी के साथ उन 24 अभियुक्तों में शामिल था जिन्हें 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिराने का जिम्मेदार माना गया था। हालांकि सितंबर 2020 में कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया था। गोंडा के स्थानीय लोग बताते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह सक्रिय राजनीति में उतरने से पहले कुश्ती प्रतियोगिताएं आयोजित करवाते थे। बृजभूषण सिंह को महंगी एसयूवी गाड़ियों का बेहद शौक है। सूबे की राजधानी लखनऊ के लक्ष्मणपुरी इलाके में इनका एक आलीशान बंगला है जिसमें इनकी चमचमाती गाड़ियों को खड़ी करने के लिए जगह कम पड़ जाती है। हालांकि अतीत में उन पर हत्या, आगजनी और तोड़फोड़ करने के भी आरोप लग चुके हैं। पिछले दिनों झारखंड में अंडर 19 नेशनल कुश्ती चैंपियन के दौरान एक रेसलर को उन्होंने मंच पर ही थप्पड़ मार दिया था। वो चैंपियनशिप 15 साल से कम उम्र वालों के लिए थी और जिस खिलाड़ी को उन्होंने थप्पड़ मारा था उसकी उम्र कुछ अधिक थी, इसलिए आयोजकों ने उन्हें प्रतियोगिता में शामिल होने की अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद वो इसके शिकायत लेकर मंच पर चले गए। तब उनकी भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह से कुछ बहस हुई और इसके बाद सांसद ने उन्हें मंच पर ही थप्पड़ जड़ दिया। बृजभूषण शरण सिंह के विवादित बयान। 2022 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि समाजवादी पार्टी को वोट दोगे तो पाकिस्तान खुश होगा। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान पर क्यों न बोले, क्या मोदी और योगी को हराने की चिंता पाकिस्तान में नहीं हो रही है। तब उन्होंने कहा था कि ये हमारी ही पार्टी में संभव है कि हम कलाम को राष्ट्रपति बनाते हैं। कलाम बनकर रहो तो राष्ट्रपति बनोगे, साफ बनकर आओगे तो काटेंगे। बीते साल नवंबर में गोंडा में आयोजित एक कुश्ती प्रतियोगिता के दौरान उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं गारंटी लेता हूं कि ओवैसी के पूर्वज हिंदू थे, उनके बाबा के पिताजी का नाम तुलसीदास था। सपा नेता आजम खान पर उन्होंने कहा था कि आजम खान के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकता।
ओएसी की पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद फरमान ने कहा था कि बृजभूषण शरण सिंह अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। दिमागी संतुलन खोने की वजह से ही वो ओएसी के पूर्वजों को हिंदू बताने पे तुले हुए हैं। बीजेपी को उनका किसी अच्छे अस्पताल में इलाज करवाना चाहिए। अगर बीजेपी इलाज नहीं करवाएगी तो हैदराबाद में ओएसी के अस्पताल में बृजभूषण सिंह का मुफ्त इलाज करवाया जाएगा। कुश्ती के खिलाड़ियों और कुश्ती महासंघ के बीच विवाद फिर से जोर पकड़ रहा है। 3 महीने पहले कुश्ती महासंघ और इसके अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर पहलवानों ने आरोप लगाए थे। उनके आरोपों के बाद एक जांच कमेटी भी बैठाई गई थी, लेकिन पहलवानों का कहना है कि कमेटी की रिपोर्ट की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। अब एक बार फिर से कुश्ती महासंघ के खिलाफ पहलवानों ने विरोध कर दिया है। जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों ने कहा, यहाँ उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है। वो कुश्ती को गलत हाथों से निकालकर सही हाथों में दिए जाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनके लिए ऐसी परिस्थितियाँ बनाई जा रही है कि वो यहाँ से हट जाए। अब देखना है कि इस दंगल में सियासत जीतती है या फिर खिलाड़ी।